अच्छा नंबर 194 भी, बैटिंग 194 भी बैटिंग भी लॉटरी बैटिंग के लिए और बी भी हॉर्स रेस के लिए। 10,000 से दोनों सिनेरियो में ज्यादा है तो 30% से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा पर विनिंग एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, अगर जो बंदा लॉटरी सेल कर रहा है अगर उसको ही टिकट उसको ही लॉटरी लग जाती है तो उस सिनेरियो में वो 30% से टैक्स पे करेगा। एक में लॉस हुआ एक में प्रॉफिट हुआ हॉर्स में, तो दोनों सेट ऑफ नहीं होगा, बस प्रॉफिट वाले पे तुमको टीडीएस पे करना पड़ेगा 30% से। काइंड में मिला तो या तो तुम पैसा जमा कर दो और या तो तुम पैसा उसको दे दो जो भी जिसने भी तुमको लॉटरी दिया। 194D दलाल जी जी मैं लॉटरी टिकट बेचता हूँ, दोनों सिनेरियो में कमीशन से रिलेटेड है, कमीशन अगर मोर देन 15,000 पर एनम है तो टीडीएस 5% से डिडक्ट हो जाएगा। 194H हाँ मैं कमीशन लेता हूँ, स्पेसिफाइड एसएससी है रेसिडेंट को पे कर रहा है 15,000 से ज्यादा कमीशन पे कर रहा है, टीडीएस 5% से डिडक्ट कर देगा। स्पेसिफाइड एसएससी कौन होता है? इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में अगर वो लाइबल है टैक्स ऑडिट के लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में और पेमेंट 15,000 से ज्यादा है तो वो स्पेसिफाइड हो जाएगा। अदर के केस में 15,000 से ज्यादा होने से ही वो स्पेसिफाइड हो जाता है। टर्नओवर टैक्स ऑडिट के लिए कब लाइबल होते हैं? जब बिजनेस में टर्नओवर 1 करोड़, प्रोफेशन के लिए 50 लाख। ओके, कोई भी कमीशन अगर अपने पे कर रहे हैं, क्लाइंट पे कर रहा है एडवर्टीजमेंट एजेंसी को तो 194C लगता है, पढ़ के आए थे याद करो। और ये तुम्हारा सिक्योरिटी ब्रोकरेज वगैरह पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर कमीशन अपने कोई एम्प्लॉय या डायरेक्टर को देते हैं ना तो 194C में कवर होता है, 194H में कवर नहीं होता है। ठीक है, फिर आई 194I, आई के लिए रेंट, रेंट देने वाला स्पेसिफाइड बंदा, लेने वाला कोई भी बंदा, रेंट कितना होना चाहिए? 2,40,000 पर एनम पर कोओनर से ज्यादा तो टीडीएस कटेगा। प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो 2%, अदर देन डेट है तो 10%। एडवांस पे भी कटेगा, एरियर पे भी कटेगा, डिपॉजिट पे भी कटेगा, रिफंडेबल तो नहीं कटेगा, नॉन रिफंडेबल तो कटेगा। रेट वाला हटाओ, म्यूनसिपल टैक्स और जीएसटी दोनों माइनस करते हैं ना, उसके बाद टीडीएस डिडक्ट करना। एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो कोल्ड स्टोरेज का ओनर है और कोल्ड स्टोरेज अपना दे रहा है और उसके लिए वो रेंट ले रहा है तो वो रेंट नहीं है, वो 194C है, वो 194C में आएगा कोल्ड स्टोरेज वाला। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी लैंडिंग चार्जेस ले रही है, 194C, 194I नहीं। होटल एकोमोडेशन रेगुलर बेसिस 194I, पैसेंजर सर्विस फीस में कोई टीडीएस नहीं आता है। अगर लमसम पेमेंट कर दे रहा है प्रीमियम का एक लमसम पेमेंट कर दे रहा है लीज प्रीमियम का तो सिनेरियो में कोई टीडीएस नहीं आएगा 194I में। अब बात करते हैं 194IB, आईबी किसके लिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो इंडिविजुअल एचयूएफ जो आई में नहीं कवर था वो वाला पेमेंट किसको कर रहा है? किसी भी रेसिडेंट को 50,000 पर मंथ और पार्ट से ज्यादा, 50,000 पर मंथ और पार्ट से ज्यादा, इन दैट सिनेरियो टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द रेट 5%। व्हेन इट विल बी डिडक्टेड? लास्ट मंथ ऑफ द रेंट, दैट मीन इट कैन नॉट एक्सीड द लास्ट मंथ रेंट, मैक्सिमम उतना ही उसका अपर सर्किट है। 192 सैलरी, सैलरी का कोई भी लिमिट नहीं, वो रेट नहीं होता है, वो स्ट्रेट अवे सैलरी कैलकुलेट करो डिवाइड बाई 12 मार्क। बेसिक एक्सेंशन लिमिट से अगर कम होता है ना तो टीडीएस नहीं कटता है सैलरी में। एम्प्लॉयर क्या क्या कंसिडर करेगा? डिडक्शन एनी अदर इनकम, कोई लॉस कंसिडर नहीं करेगा एक्सेप्ट एचपी लॉस, एचपी लॉस को कंसिडर करेगा। वेटर को अगर टिप पे किया, आईटीसी लिमिटेड का केस था तो नॉट ऑब्लिगेशन नहीं एम्प्लॉयर के, चाहे तो काट सकता बट ऑब्लिगेशन नहीं है कोई काटने का उसको टीडीएस, क्योंकि वो सैलरी का पार्ट नहीं होता है। अगर डॉक्टर फीस लेता है पर पेशेंट के बेसिस पे तो 192 नहीं आता, 194J आता है, जे मतलब वो प्रोफेशनल फीस वाला अपना आता है। ठीक है, नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट में जितना भी टैक्स पे किया है एम्प्लॉयर ने वो उसको पीजीपी में एज ए डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, बट टीडीएस का क्रेडिट एम्प्लॉय को अवेलेबल हो जाएगा। सैलरी जो भी पार्टनर को देते हैं वो पीजीबीपी में आता है, वो 192 में नहीं आता। अब बात करते हैं 192A, एक्युमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ। इस केस में क्या होता है? देखो, अगर स्टैटेटरी है तो एग्जम्प्ट, स्टैटेटरी पीएफ ऑलवेज एग्जम्प्ट। अनरिकॉग्नाइज्ड इफ मोर देन इक्वल टू 50,000 देन टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द रेट 10%। रिकॉग्नाइज्ड पीएफ है इफ मोर देन इक्वल टू 50,000 एंड नॉट कंप्लीटेड कंटीन्यूअस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स देन ओनली TDS at the rate 10%। और अगर employee के पास पैन नहीं है तो MMR से चला जाएगा, MMR मतलब maximum marginal rate, 30+37+4। कैसे क्या होता है वो बेसिक वाला जब चैप्टर बताऊंगा तब बताऊंगा, अभी बस समझो MMR से जाएगा। 193 किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मतलब बॉन्ड डिबेंचर ये सारे इंटरेस्ट, देने वाला 80% लेने वाला 80%, TDS 10% से डिडक्ट होगा। दो जगह थ्रेशोल्ड आता है, एक सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड और 7.57% वाला सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड। यहाँ पे लिमिट है 10,000 की। डिबेंचर जो कि पब्लिक कंपनी इशू कर रही है, किसको इशू कर रही है? इंडिविजुअल एचयूएफ को, तो वहाँ थ्रेशोल्ड है 5,000 का। ठीक है, एंड बाकी जगह कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, 1 रुपए का भी है तो हो जाएगा, पर एप्लीकेबल किसको नहीं है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एप्लीकेबल नहीं है, एलआईसी को पेमेंट किया तो एप्लीकेबल नहीं है, लिस्टेड सिक्योरिटी है,
डीमैट फॉर्म में तो एप्लीकेबल नहीं है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 54EC के तहत अगर पे कर रही है तो नहीं है। क्या होता है कैपिटल गेन में समझेंगे। अभी आओ 194A, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। देने वाला यहाँ पे स्पेसिफाइड वर्ड यूज हुआ है, लेने वाला रेसिडेंट है, यहाँ पे भी TDS का रेट 10% है। अगर बैंक और पोस्ट ऑफिस ने पे किया तो 50,000 से ऊपर है रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के केस में एंड 40,000 के ऊपर है अदर केस में, तो उस सिनेरियो से 10% से उस इंटरेस्ट पे TDS डिडक्ट होगा एंड अदर केस में 5,000 के ऊपर जाने से TDS डिडक्ट होगा। यानी पार्टनरशिप फॉर्म है, उसने शॉर्ट टर्म लोन एडवांस किया, उस शॉर्ट टर्म लोन पे अगर इंटरेस्ट है तो उस पे 5,000 की लिमिट लगेगी, यानी 5,000 के बियॉन्ड होने से TDS डिडक्ट करना पड़ेगा 10% से। ओके, यहाँ पे अपने एक और चीज नोटिस किए थे, क्या अपने बनाए थे कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अपने क्या पढ़े थे, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, एंड इंटरेस्ट उसने पे किया है दैट इज मोर देन 40,000 या अदर सीनियर सिटीजन केस में 50,000 तो ही TDS, अदरवाइज नो TDS। ये अपने कोऑपरेटिव में पढ़े थे। एक्सेप्शन क्या है, बैंक का TDS काटेंगे, अभी अपने बड़े नहीं हुए, यानी अगर बैंक को अपने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो TDS नहीं काटेंगे। फर्म पार्टनर को पे कर रही है तो TDS नहीं कटेगा। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट पे TDS नहीं है, RD FD इसका इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का जो रिफंड आ रहा है उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर भी नहीं कटेगा TDS, या पे कर रहे हो तो भी TDS नहीं होगा, दोनों ही सिनेरियो में नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड बाई NSE PO स्कीम किसान विकास पत्र, नाम से ही पता चल रहा है कि इस पे नहीं कटने वाला है TDS, ठीक है। अगर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के तहत अगर अपने को कॉम्पनसेशन पे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो जब वो क्रेडिट होगा तो TDS नहीं कटेगा, चाहे वो कितना भी अमाउंट का हो, 1 लाख 2 लाख कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब पे होगा तब 50,000 की क्राइटेरिया चेक करेंगे, अगर एक्सीडिंग 50,000 है तो TDS कट जाएगा 10% से, अदरवाइज नहीं कटेगा। 194DA, डेथ आफ्टर LIC की मैच्योरिटी हुई है, मैच्योरिटी सम इज मोर देन इक्वल टू 1 लाख एंड नॉट एग्जम्प्ट अंडर 10D तो TDS 5% से कटेगा, मैच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम पेड। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लेंगे तो ये अपने को इजीली समझ में आएगा, 20% 10% 15% वो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। 194IA किसके लिए बोलता है, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बायर डिडक्ट करेगा, सेलर का करेगा, अगर एक्चुअल कंसिडरेशन इज मोर देन इक्वल टू 50 लाख SDV ने एक्चुअल कंसिडरेशन, ठीक है। इसमें अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड कवर है, TDS का रेट क्या है 1%। पार्ट पेमेंट क्या, तो हर पार्ट पे अगर मान लो ओनर वाला अगर कॉन्सेप्ट है तो वो नहीं देखना, अपने को देखना प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट कंसिडरेशन कितना, अगर वो मोर देन है 50 लाख तो TDS कट जाएगा, काटते ही 30 दिन के अंदर जमा करवा देना। क्या क्या इंक्लूडेड होता है कंसिडरेशन, मेंबरशिप फीस, कार फीस, इलेक्ट्रिसिटी फीस, जिम फीस, जितने भी है वो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा उसमें। 194LA क्या ला, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मोर देन 2,50,000 10% से TDS कटेगा। ये एग्रीकल्चरल लैंड पे एप्लीकेबल नहीं होता, बोथ रूरल एंड अर्बन। 194J टोटल 5 चीजें होती है पर प्यार से प्रोफेशनल फीस हम लोग इसको बोलते हैं। देने वाला स्पेसिफाइड, लेने वाला रेसिडेंट, TDS एट द रेट 10%। क्या क्या इंक्लूडेड है, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस एंड पेमेंट टू डायरेक्टर। इसमें अपने एक चीज अमेंड किया, क्या अमेंड किया इसमें, कि अगर टेक्निकल फीस है तो 2% का रेट है, थ्रेशोल्ड 30,000, प्रोफेशनल फीस के लिए 10,000, 10%, 30,000 थ्रेशोल्ड। रॉयल्टी अगर रिलेटेड टू फिल्म्स है तो 2% एंड अदर रॉयल्टी 10%, थ्रेशोल्ड 30,000। रेमुनरेशन के लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, स्ट्रेट अवे 10% एंड नॉन कम्पीट फीस के लिए 10%, थ्रेशोल्ड 30,000। ओके, इसमें एक चीज अपने और देखे थे कि अगर प्रोफेशनल फीस इंडिविजुअल एचयूएफ पर्सनल पर्पज के लिए ले रहा है तो नो TDS। रॉयल्टी और नॉन कम्पीट फीस इंडिविजुअल एचयूएफ ले रहा है, वेदर पर्सनल और बिजनेस दैट डजंट मैटर, वेदर थ्रेशोल्ड एक्सीड और नॉट दैट आल्सो डजंट मैटर। इंडिविजुअल एचयूएफ लिया रॉयल्टी एंड सॉरी पे किया रॉयल्टी और नॉन कम्पीट फीस तो इन दैट सिनेरियो TDS नहीं कटेगा। 194C अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग सब कॉन्ट्रैक्ट। देने वाला स्पेसिफाइड SSC, लेने वाला रेसिडेंट, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या, सिंगल पेमेंट के लिए 30,000, एग्रीगेट पेमेंट के लिए 1 लाख इन अ प्रीवियस ईयर से ज्यादा है तो इस सिनेरियो पे कटेगा। कैसे कटेगा डिपेंड करता है लेने वाला कौन है, यानी जिसको पैसे मिल रहा है अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% से काट के पेमेंट करना, जिसको पैसे मिल रहा है अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% से काट के पेमेंट करना। इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्टर कौन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। पर्सनल पर्पज के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो नहीं कटेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे कटता है बट अगर वो डिक्लेरेशन दे देता है कि एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं थे तो कोई TDS नहीं कटेगा।
रेलवे कभी टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब जॉब वर्क इंक्लूड होता है, यानी किसी और के मटेरियल से, मतलब बायर के मटेरियल से कुछ बना के वापस से सेल सेंड कर दे रहे हो बायर को, तो वो इंक्लूड हो जाएगा 194C में। पर किसी और से मटेरियल खरीद रहे हो, फिर कुछ बना रहे हो और फिर बायर को सेंड कर रहे हो, तो 194C तब नहीं लगेगा। अच्छा, बायर मटेरियल दे रहा है, उससे कुछ बना रहा हूँ, फिर सेंड कर रहा हूँ, 194C लगेगा। तो मटेरियल का वैल्यू को लेना है क्या? अगर सेपरेटली इनवॉइस में है तो नहीं लेना है, सेपरेटली इनवॉइस में नहीं है तब फिर टोटल में तुमको लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। क्लाइंट ने एडवर्टीजमेंट एजेंसी को दिया 194C, एडवर्टीजमेंट एजेंसी ने टीवी चैनल को दिया नो टीडीएस, टीवी चैनल ने एडवर्टीजमेंट एजेंसी को दिया नो टीडीएस। अपने कोई शो खरीदने गए, अगर प्री प्रोड्यूस है तो नो टीडीएस, और अपने हिसाब से शो बनवा रहे, अनुपमा वाला शो अपने हिसाब से बनवाया तो 194C लग जाएगा उसमें। अब बात करते हैं 194M। एम किसके लिए? मिक्स्ड, मिक्स्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, उस इंडिविजुअल को जो सी और एच, सी एच और जे में कवर नहीं है, ठीक है, उसके लिए 50 लैक्स पर एनम सारा मिला के अगर एक्सीड कर रहा है तो 5% से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। इसमें भी पेमेंट ऑफ टीडीएस जो होता है वो विद इन 30 डेज होता है, विद इन 30 डेज आपको टीडीएस पे करना है। 10 नहीं है पेयर का, कोई जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस। 194N, एन क्या बोलता है? नोट, नोट मतलब अगर कैश विड्रॉ करते हो मोर देन 1 करोड़, तो बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक जो है वो तुम्हारा टीडीएस काट लेंगे, 1 करोड़ के ऊपर जितना भी होगा उस पर 2% से। पर तुम कोई ऐसे बंदे हो जिसने प्रीवियस ईयर 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, यानी लास्ट 3 प्रीवियस ईयर के अगर रिटर्न नहीं लगाए हैं, तो उस सिनेरियो में तुम्हारे लिए थ्रेशोल्ड हो जाएगा 20 लाख, यानी 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो जितना भी एक्सेस है 2%, 1 करोड़ के ऊपर जितना भी है उसके लिए 5%। पर जो विड्रॉ कर रहा है, अगर वो गवर्नमेंट है, बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, व्हाइट लेबल एटीएम है, या आरबीआई नोटिफाइड मनी चेंजर्स है, तो उनके लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। 194E, फ्लिपकार्ट जब भी पेमेंट करेगा रेसिडेंट को, वन रेसिडेंट सेलर को, तो 1% ग्रॉस अमाउंट का काट लेगा, सिंपल से। पर अगर वो रेसिडेंट सेलर का ग्रॉस सेल 5 लाख तक की है और वो इंडिविजुअल एचयूएफ है एंड सेलर पैन दे देता है, तो उस सिनेरियो में नहीं कटेगा। ये इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं लिखा होगा, ये वर्ड लिख लेना वहां पे, ठीक है। नंबर थर्ड नंबर पॉइंट पे जोमेटो, ओला, उबर, ये सबको एप्लीकेबल होता है। पेमेंट गेटवे डिडक्ट नहीं करता है टीडीएस, ये वाला पॉइंट भी शायद नहीं होगा, ये भी स्क्रीनशॉट लेना। पेमेंट गेटवे डिडक्ट नहीं करता है टीडीएस। पेमेंट गेटवे कौन होता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, जो भी अपना पेमेंट को प्रोसेस करता है, रेजर पे वगैरह, वो लोग टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगे। अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कोई भी सिक्योरिटी या कॉमोडिटी, दोनों ही ट्रेड हो रहा है, दोनों को ही एप्लीकेबल नहीं है। और पावर एक्सचेंज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसको भी एप्लीकेबल नहीं है। 194P किसके लिए? शेड्यूल स्पेसिफाइड बैंक। कौन है? वही शेड्यूल बैंक जितने भी अपने, वो सारे स्पेसिफाइड बैंक है। सेम बैंक में अगर आपका पेंशन भी आ रहा है, सेम बैंक में आपका इंटरेस्ट भी आ रहा है, और आपका कोई और इनकम नहीं है, और आप 75 और मोर एज के हो, तो इस सिनेरियो में आप सिर्फ एक डिक्लेरेशन दे देना फॉर्म 12BBA में, उस टाइम फिर आपको रिटर्न लगाने की कोई जरूरत नहीं, और आपका जो भी टीडीएस है वो डिडक्ट कर लेगा। कौन डिडक्ट करेगा? बैंक डिडक्ट करेगा अंडर सेक्शन 194P। इसमें वो आपको डिडक्शन देगा 6A का और रिबेट 87A का। 194Q और 1H को साथ में पढ़ते हैं, उसमें अपने क्या पढ़े थे? देखो 194Q में अपने क्या पढ़े थे कि बायर का अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, वो सेलर से जब भी कुछ खरीदेगा 50 लाख के ऊपर, तो उस पे 0.1% से टीडीएस काट लेगा। 1H में क्या पढ़े थे? सेलर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है, वो बायर को जब भी कुछ सेल करेगा 50 लाख के ऊपर, तो 0.1% से वो टीसीएस कलेक्ट कर लेगा, जितना भी उसके ऊपर है, यानी या बायर का पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर दोनों का 10 करोड़ एक्सीड कर रहा है, तो इस सिनेरियो में 194Q विल प्रिवेल ओवर 1H। इसमें क्या है? अगर पैन नहीं है तो 5%, वहां पे क्या है? पैन नहीं है तो 1% से डिडक्ट हो जाता था। ये वाला बात में करते हैं, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, अगर अपने टर्नओवर जो बोल रहे हैं ना, टर्नओवर मींस ओनली बिजनेस टर्नओवर, टर्नओवर मींस ओनली बिजनेस टर्नओवर, इसमें नॉन बिजनेस का टर्नओवर मत ऐड करना, ठीक है। बाकी तो ये ड्यू डेट्स वगैरह है, सब इजी है, कुछ नहीं। 20601, इसमें क्या होता है? ये टिम्बर वगैरह, टेंडू लीव्स, टिम्बर, ऑब्डेन फॉरेस्ट, ये सब की बात करता है। हर एक का एक रेट दिया, वो उस रेट से टीसीएस कलेक्ट कर लेना। पर अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको यूज करोगे तो टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा, होलसेल ट्रेडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट होता है। इसमें क्या क्या है? इसमें अल्कोहलिक लिकर के लिए 1% टीसीएस, 1% किसका? परचेस प्राइस का 1%, ठीक है। टेंडू लीव्स के लिए 5%,
वगैरह के लिए 2.5%, स्क्रैप के लिए 1%, मिनरल बिंग कोल लिग्नाइट आयरन और ये सब के लिए 1%। ओके, पीएसयू को एप्लीकेबल नहीं है, गवर्नमेंट एजेंसी को एप्लीकेबल नहीं है, दारू अपने लिए लोगे पर्सनल के लिए तो एप्लीकेबल नहीं। 206C1C ये क्या बोलता है, अगर मॉल पार्किंग लॉट दे रहा है तो वो कलेक्ट कर लेगा टीसीएस 2% से, किसका, वो जो भी लीज उसको मिल रहा है, लीज प्रीमियम जो भी उसको रेंटल वगैरह मिल रहा है उसमें से 2% और कलेक्ट करेगा एडिशनली। ठीक है, पब्लिक सेक्टर को एप्लीकेबल नहीं, गवर्नमेंट को एप्लीकेबल नहीं है। 206(1)F मोटर व्हीकल थार खरीदने जा रहे हो, 1% का टीसीएस लेके जाना पड़ेगा। क्यों? चूंकि एक्सीडिंग 10 लाख पे जितना भी मोटर व्हीकल है उसके लिए आपको 1% टीसीएस पे करना पड़ेगा। किसको पे करोगे आप? सेलर को पे करोगे। इंडिविजुअल के लिए ले रहे हो फिर भी पे करोगे, पर्सनल के लिए ले रहे हो तो भी पे करोगे, बिजनेस ले रहे हो तो भी पे करोगे, पर अगर तुम गवर्नमेंट हो तो नहीं करना है, या पीएसयू हो और तुम इंगेज हो इन बिजनेस ऑफ कैरिंग पैसेंजर, याद रखना यहाँ दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी हो पाएगा, सिर्फ एक कंडीशन नहीं, पीएसयू भी हो और बिजनेस इन कैरिंग ऑफ पैसेंजर हो तो उस सिनेरियो में नहीं होगा, और अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को दे रहा है, मैन्युफैक्चरर डीलर को दे रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, पांडे जी की शादी हुई, वो गया टूर पे, अगर वो टूर पे जा रहे हैं तो 5% टीसीएस देना पड़ेगा, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है यहाँ पे, पर अगर फॉरेन रेमिटेंस हो रहा है आरबीआई लिबरलाइज स्कीम के तहत, इन दैट सिनेरियो 5% एक्सेस ऑफ 5-7 लाख, यानी 10 लाख है तो 3 लाख का 5%, एजुकेशन लोन के लिए वो 5% रिड्यूस होकर 0.5% हो जाता है। ओके, अच्छा ये ₹7 लाख है, डॉलर नहीं, ठीक है, ₹7 लाख। ओके, क्योंकि यहाँ कन्वर्जन का प्रॉब्लम होगा तो गलती मत कर देना, 1H ऑलरेडी कर लिया, दैट्स इट, अब खत्म, बस थोड़ा सा बचा है एंड टीसीएस ओवर हो जाएगा। बोलो, था तो सब, सोलह इसी स्पीड से आपका एग्जाम वाले टाइम में भी हो जाएगा। 16 मिनट में पूरा हो गया। हाँ, अब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टीसीएस का सारे मंथ के लिए 7th ऑफ द मंथ, 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, याद करो, टीडीएस में मार्च मंथ के लिए अलग था, ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ क्या बोलते हैं, मार्च के लिए वहां क्या था, 30th अप्रैल, यहाँ पे क्या है, ऑल मंथ के लिए 7th, मार्च के लिए भी 7th, सबके लिए 7th, ठीक है। ड्यू डेट क्वार्टरली जाता है 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, वहां पे सॉरी 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, वहां पे भी क्या था, 15th डेट था, लेकिन सिर्फ मार्च वाले के लिए था अपना, नहीं, वहां पे तो 31st था ना। सॉरी 31st था, और मार्च वाले के लिए था मई, ठीक है, मैं यहाँ पे हर क्वार्टर के लिए 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, जिस दिन क्वार्टर एंड हुआ उसके नेक्स्ट मंथ के 15 तक लगा देना। यहाँ पे लेस डिडक्शन के लिए 1% है, लेट पेमेंट के लिए यहाँ पे 1% है इंटरेस्ट, बट याद करो टीडीएस में कितना था, वन वन पॉइंट वन पॉइंट फाइव पॉइंट परसेंट डिडक्ट कर लिया और पे नहीं किया तो 1.5। हाँ, और ये वाला वही सेम पॉइंट है, दो ये अमेंडमेंट वाला पॉइंट है, दोनों ही सेम है कि नॉन फाइलर अगर है, अच्छा देखो, अगर फर्निश नहीं करता तो ट्वाइस द रेट या 5% लगता है, ठीक है, जहां पे जो रेट बोला वहां पे वो रेट होगा, और जहां कोई रेट नहीं बोला हो तो वहां पे पैन अगर नहीं फर्निश किया तो ट्वाइस द रेट जो भी कॉलम में दिया या 5%, पर अगर तुम नॉन फाइलर हो तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, स्पेसिफाइड नॉन फाइलर है तो हायर ऑफ ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड या 5%, सेम ही तो है दोनों में, हाँ सेम ही है, ठीक है, और नॉन फाइलर कौन होता है, वही सेम जो वहां पे लिखा हुआ है यहाँ पे भी है। That's it. यहाँ ओवर होता है पूरा टीडीएस एंड टीसीएस विद ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर।